What do students around the world have in common? Hopes, dreams, yes, but also teachers. So many of the things we know how to do in our lives are thanks to a teacher. Thanks to a teacher, you've learned how to learn. It's their skill and passion that inspire students and help them realize their dreams, which can lead to a better world for us all. We thank doctors and nurses for saving lives. We thank police officers and firefighters for protecting us. We thank artists and writers for advancing our cultures. How often do we take the time to thank teachers for helping us achieve our goals, for empowering our workforce of tomorrow, and for showing us that we can change the world? Every day is the best day to thank a teacher. शिक्षक एक सच्चे ज्ञान का साधन और बुद्धिमत्ता का स्रोत होते हैं जो हमारा
ಮನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಗೊಳಿಸಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಮಿಸ್ ಯೂರಾ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 70 ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಚ್. Oh,
जिनका दूसरा नंबर आता है इस महान देश के राष्ट्रपति बने। हम लोग बहुत ही खुशी की बात है और जैसा रेणु मैडम यहाँ की इस शिक्षिका हैं, उन्होंने बताया कि अभी तक एल के जी से लेकर सिक्स या सेवन तक के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जैसा कि हमको नहीं मालूम है, हमको लगा कि नहीं, इन बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि टीचर्स डे क्या है और हम लोग क्यों मनाते हैं। शिक्षक दिवस से बच्चों के द्वारा मनाना, इसके लिए
Yeah.
शिक्षा का, ज्ञान का, प्रकाश का एक मार्ग है उन्नति, एक विश्वास है संतों का, एक पहचान है हमारी जो बताता है कि अधिक अद्वितीय अलौकिक अनंत असीम और अनन्य बनना है जीवन के अंतिम था। जवाब दीजिए हमारे प्रश्न का, जवाब पूछिए। क्लास में नहीं गए, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, मैं डांट देता हूँ। बच्चे पर माफी करते हैं, मैं थप्पड़ मार देता हूँ। तो मेरा तो सब रजिस्टर में पाप नहीं दिखा रहा हूँ। बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने बताया कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। गलती को देखते हुए यदि आप नहीं समझाते, बच्चों को नहीं गाइड करते, तब वो पाप वाला जो कॉलम जो है उसमें लिखा है। यदि कर रहे हैं तो पुण्य वाले नहीं लिखा है। तो बस पहुंच जाने समय नहीं लेते हुए फिर दूसरा भी प्रोग्राम है लोगों का। बच्चों आज शिक्षक दिवस ये अवसर पर बच्चों से भी अपील है, हमारे टीचर से भी अपील है, हमारे नन टीचर से अपील है कि ये जो व्यवहार जो है कैसे व्यवहार किया जाए। नारी शक्ति जिसको हम लोग थोड़ा सा बताए कि बच्चियां बैठी हुई, बेटियां सब बैठी हुई हैं, सभी हमारे टीचर से है। नारी शक्ति माँ भी क्या होती है, नारी होती है, बहन भी नारी है, बेटी भी नारी है, पत्नी भी नारी है, लेकिन सबके साथ व्यवहार जो है वो क्या है, अलग है। एक बार बस बताना चाहता हूं, चाहे हमारे टीचर्स हो चाहे हमारे स्टूडेंट्स हो, हमेशा जो भी काम कर रहे हो माँ को जरूर ध्यान रखो। वो माँ हो सकती है कि किसी की जिंदा हो किसी की नहीं, अभी बच्चे हैं तो सबकी हम ऐसा सोचता हूँ सबकी जिंदा होगी, हम लोगों में से कुछ लोगों की जिंदा नहीं है, लेकिन आज भी सुबह में जो आदमी स्नान करता है भगवान को अगरबत्ती दिखाता है, जिस धर्म के भी हो जिसको भी दिखाते हो, माँ पिता जी का फोटो लगा दिया उनको भी अगरबत्ती दिखाते हैं। तो जब माँ पिता जी को स्पेशली माँ को जब ध्यान में रखकर कोई भी काम करोगे, तो ये मेरा मानना है कि कभी भी तुम हो मैं हो चाहे हमारे जो भी लोग हैं कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि माँ कभी गलत सिखाया नहीं, और जहां भी जिसकी भी माँ है वो हमेशा ही दुआ करती है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छा करे। तो कोई भी गलत काम करने जाते हो अच्छा काम करने जाते हो माँ को सामने रख करके ध्यान रखो, कभी भी गलत काम नहीं होगा। दूसरा हो गया गुरु, आज गुरु की बात करने को कि
टीचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, हम तो भी किसी गुरु ने पढ़ाया, आज मैं भी हूँ, जितने भी हमारे गुरु क्लास वन हम लोग के पास समय में एलकेजी नहीं होता था, वन होता था, क्लास वन होता था, वन से लेकर जितने भी हाई डिग्री जो भी मिला जो भी गुरुओं ने पढ़ाया, आज शिक्षक दिवस पर तहे दिल से मैं उनका नमन करता हूँ। जहाँ भी अभी बहुत बहुत कम लोग अब बचे हुए हैं, बहुत कम लोग ले फल हम गए थे तो पता लगा कि जिन्होंने वन में आज का तो टेबल होता है उस तरह पहाड़ा बोला जाता था, तो जिन्होंने पहाड़ा सिखाया कौकर का सिखाया वो आज भी जिंदा है। लेकिन आगे क्लास में जो 9 में 10 में जो पढ़ाए लोग वो लगभग नहीं है संसार में, और जो प्रोफेसर जो थे उन लोगों का तो ये और ज्यादा था, तो उसमें से भी लगभग अब नहीं बचे। क्लास 10 में से एक टीचर हमारे जो साइंस टीचर उनका नाम ही हम लोग रखा था साइंस टीचर, तो वो एक जिंदा है, और जो कौकर और पहाड़ा सिखाए थे वो आज भी जिंदा। जब भी मैं घर जाता हूँ तो उनसे मिलने का कोशिश करता हूँ, जैसे भी टाइम निकाल करके जाकर के, अब उनकी मेमोरी भी अब नहीं है, बेड पर आ गए हैं, फिर भी बोलने से उनको याद दिलाने से जब मैं वही उम्र हूँ तो उन लोगों को याद आती है, और बोल नहीं पाते हैं फिर भी उनकी हाथ उठती है आशीर्वाद के लिए, और उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि आज हम लोग अच्छे हैं स्वस्थ हैं, और आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लो कि सब कुछ मिल गया। माँ का आशीर्वाद बचपन से जिन्होंने जन्म दिया, 9 मंथ अपने उधर में पेट में रख करके पाला पोषा, दुनिया को दिखाया। हम लोग आज उसके बदौलत हैं, और आज जो भी ज्ञान है वो गुरु के बदौलत है। दोनों को बच्चों का ध्यान रखो, कभी भी गलत काम नहीं होगा, व्यवहार को जरूर सीखो, बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है, माँ के साथ कैसे करना है, फादर है तो कैसे करना है, समाज के लोग हैं उनके साथ कैसे व्यवहार, पढ़ाई का हालत यही है। यदि व्यवहार नहीं आना तो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बना सब देगा, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छा नागरिक नहीं बना, एक अच्छा मनुष्य नहीं बना, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर एक मनुष्य नहीं है, इंजीनियर का मनुष्य नहीं है, कोई भी ऑफिसर मनुष्य नहीं, लेकिन मनुष्य को मनुष्यता जिसको कहते हैं वो यदि नहीं आया दूसरे दुखी लोगों के लिए डर।
Yeah.